जय श्री कृष्ण बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा था पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन में भाई प्रोजेक्टाइल जमीन से जमीन वाला प्रोजेक्टाइल देखा, जमीन से आसमान वाला देखा, आसमान से जमीन वाला देखा। फिर हमने प्रोजेक्टाइल का जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख रही कि भाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन क्या होता है। कई सारे सवाल भी हम लोग किए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्टाइल की जो थ्योरी वाले पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे, तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं जो बातें आपको सिखाई गई हैं। अब इसके अंदर देखिए, जैसे एक सवाल ये बनता है कि एक दीवार है, ये जो दीवार है इस दीवार की जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है। 4 मीटर ऊंची दीवार है, यहां से एक पत्थर फेंका जाता है और ये दूरी 3 मीटर है। पत्थर यहां से फेंका गया, दीवार 4 मीटर ऊंची है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन ये है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर। और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये भी दिया था इन्होंने, ये एंगल दिया है इन्होंने 45 डिग्री। तो क्वेश्चन है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर, फाइंड वेदर इट विल हिट द वॉल, फाइंड वेदर इट विल हिट द वॉल और नॉट। ये जो प्रोजेक्टाइल बना है, इस प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है ये बताया है कि 20 मीटर है और ये 45 डिग्री के एंगल पे फेंका गया है। तो आपको ये बताना है कि ये चार जब जाएगा ना तो 4 मीटर ऊंची दीवार को हिट करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको बताना है। 2 मिनट का पॉज लें, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर आरएस सर का सोल्यूशन देखें। तो ये प्रोजेक्टाइल हमने फेंका था, अब ये प्रोजेक्टाइल अगर दीवार के ऊपर से चला गया तब हिट नहीं करेगा और अगर दीवार से जाके टकरा गया तो ये हिट कर जाएगा। तो अब ये इसको सॉल्व जब हम करें, तो जैसे अपने पास एक अभी थोड़ी देर पहले मैं सॉल्यूशन कर देने जा रहा हूं आपको इसका, थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको, थोड़ी देर का मतलब पिछले लेक्चर में, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 - x / r। तो जब x की वैल्यू 3 के बराबर है तो हम ये पता लगा लेंगे y की वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा, थीटा है 45 डिग्री, तो tan 45 कितना हो जाएगा 1 into 1 minus x, x कितना है 3, ठीक है। x की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी और r की जो वैल्यू आएगी वो 20 के बराबर आ जाएगी। जो r आएगा वो 20 के बराबर आ जाएगा क्योंकि रेंज 20 के बराबर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो x tan थीटा 1 minus x upon r हो जाएगा 3 into 20 minus 3 हो जाएगा 17 by 20, तो ये हो जाएगा 51 by 20 आया। तो इसका मतलब कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो जो y है वो 51 by 20 हो गया, यानी y जो है वो 4 से कम है। तो जब x 3 होगा तो y की वैल्यू 4 से तो कम आ रही है, 4 से कम आ रही है, यानी जब x 3 होगा तो ये दीवार के नीचे ही रहेगा, ठीक है। जब भी x की वैल्यू, कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, जब भी x की वैल्यू 3 होगी तो ये वाली जो हाइट आ रही है कम आ रही है ना, 51 by 20 आ जा रही है, तो ये 4 से तो कम ही आ रही है, इनफैक्ट ये 3 से भी कम आ रही है। तो ये प्रोजेक्टाइल जो होगा ये इस दीवार को हिट करेगा, ये दीवार को हिट करता हुआ जाएगा, ठीक है। एक ये इसके अंदर सवाल बनता है, एक और सवाल बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। ये एक प्रोजेक्टाइल है, इधर एक्स मान लिया मैंने, इधर वाई मान लिया और इसको मैंने फेंका है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन such that, find the angle of projection such that the particle passes from point
1.2। इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए जिससे कि ये पार्टिकल जो है 1.2 पॉइंट से पास करे। कोई भी पॉइंट 1.2 हुआ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, हवा में फेंक दिया इसको, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, ये बता रहे हैं कि तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए जिससे कि पार्टिकल 1.2 से पास करे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कम से कम 4 मिनट लें, 4 मिनट तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखें। जो सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है वो सॉल्यूशन देखें। तो अब मैं तो सॉल्व करने जा रहा हूं इसको, आप पॉज लेकर के पहले खुद से सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। आपसे इसके अंदर पूछा गया है थीटा, थीटा पूछा गया है, तो हम इसमें जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना उसका जो है वो इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा इस्तेमाल बुद्धिमानी से करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये थी, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखें तो 1.2 से पास हो रहा है, यानी आपको x भी पता है, आपको y भी पता है, स्पीड दे रखी है तो आपको यानी u भी पता है, तो सब कुछ पता है, बस आपको थीटा ही नहीं पता है। थीटा नहीं पता है तो थीटा निकालने के लिए अब हम लोग मेहनत करेंगे। अब मैं वैल्यूज पुट करना चालू करता हूं। y जो है उसकी जगह 2 लिखूंगा, x की जगह 1 लिखूंगा, थीटा मुझे पता लगाना है, ठीक है, g की जगह 10 आ जाएगा, x जो है वो 1 है ही, अपॉन 2 इंटू 10 का स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा को, ठीक है, सॉरी cos स्क्वायर थीटा नीचे आता है, 2 यू स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये आता है, cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाकर sec स्क्वायर थीटा करूंगा, और sec स्क्वायर थीटा को मैं कर दूंगा tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कर दूंगा मैं इसे। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको tan थीटा में मैं क्वाड्रेटिक बना पाऊं। ये होशियारी इतनी दिखानी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमसे थीटा पूछा हुआ है, तो tan थीटा में अगर मैं क्वाड्रेटिक बना लूंगा तो tan थीटा आ जाएगा, पर थीटा tan इनवर्स करके निकाल लेंगे। तो अब मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, तो फर्दर अगर सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या क्या आएगा इसके अंदर। एक tan से एक tan चला जाएगा, ये आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 10, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 10, नहीं 20, 2 इंटू 10 है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 20 माइनस tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस पूरे पूरे को मैं इधर उठा लाया, तो इधर पूरा उठा लाऊंगा, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 20 माइनस tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पूरे को 20 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा, पूरे को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 20 tan स्क्वायर थीटा माइनस 20 tan थीटा प्लस, सॉरी पूरे को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 20 tan थीटा प्लस 41 इज इक्वल टू 0। 41 क्यों आया? 41 इसलिए आया क्योंकि यहां से एक 1 होगा और 20 इंटू 2 40 था, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अब ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें फैक्टर वगैरह नहीं बनेंगे, इधर 20 आ रहा है, उधर 41 आ रहा है, 41 वैसे भी किसी से डिविजिबल नहीं होता है, तो फैक्टराइज करके तो नहीं हो पाएगा। फिर इसमें श्रीधराचार्य लगा देंगे कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो अब इसमें श्रीधराचार्य लगा के और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे इसके अंदर सॉल्व करें अगर हम भाई, अब कुल मिला के गणित बचा, इसके अंदर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कुल मिला के ये बचा है? तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? टैन थीटा भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो टैन थीटा की वैल्यू आएगी ये बराबर हो जाएगी माइनस बी, माइनस बी का मतलब 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 41 है, तो 4 इंटू 1 इंटू 41 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 400 माइनस 164 अपॉन 2, 400 माइनस 164 अपॉन 2
अब मैं क्या करूंगा, यहां से फोर कॉमन ले लूंगा, फोर कॉमन लूंगा, तो फोर कॉमन लेते ही, जैसे ही मैं फोर कॉमन लूंगा, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हाँ सही है, तो फोर कॉमन लूंगा मैं, तो ये फोर बाहर आते ही रूट हो जाएगा टू, टू से टू कट जाएगा, तो ये कुल मिला के जाएगा टेन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर कॉमन लूंगा तो ये फोर हंड्रेड था ना, इसमें से फोर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा हंड्रेड, और ये 41 था, ये 41 हो जाएगा, इसमें से फोर निकाला, इसमें से भी निकाला, तो ये टू से चला गया तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2a, हाँ तो ये 10 प्लस माइनस 59, रूट 59, ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और ये दो वैल्यू आ रही है, दोनों थीटा की पॉसिबल वैल्यू है भाई, ये भी प्लस में पॉजिटिव आएगा, मतलब 10 प्लस रूट 59 और 10 माइनस रूट 59 दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही, यानी दो ऐसे थीटा होंगे, दो ऐसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे जिनके लिए जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जो है पॉइंट 1.2 से पास कर जाएगा, तो ये भी एक सवाल बनता है, तो ये भी एक बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल आपके सामने रख रहा हूं मैं। इसके अंदर क्या है कि एक कोई टावर है जिसकी हाइट h है और टावर के बेस से कुछ दूरी पर एक है जहां पर एक पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन इसके अंदर जो बनता है वो ये है, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन such that the particle find minimum speed of projection such that the particle hits the topmost point, minimum speed of projection such that the particle hits the topmost point, कम से कम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी जिससे कि ये पार्टिकल इस टावर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको हिट करे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 5 से 7 मिनट तो कम से कम लगेंगे, जो बहुत ही अच्छा बच्चा होगा उसको कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे, और जो एवरेज बच्चा होगा तो 10 मिनट 15 मिनट में आधे घंटे तो भी उसको लग जाएंगे, तो कम से कम 10 मिनट का समय लीजिएगा, पॉज करिएगा और 10 मिनट इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखिएगा। ये इसकी हाइट एच के बराबर है और ये डिस्टेंस एल के बराबर है। अब इसमें हमें इसकी मिनिमम स्पीड पता लगानी है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि भाई फिलहाल इसकी जो वेलोसिटी है वो वी के बराबर है, हमने ऐसे मान लिया, और ये बहुत जैसे गणित भी इसके अंदर अच्छा खासा है, फिजिक्स तो जो है सो ही, तो अगर मैं यहां से यहां तक के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए और लौटते समय हिट करे, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे से ऊपर जा रहा हो उस समय हिट करे, ऐसा भी हो सकता है ये हाईएस्ट पॉइंट पे हिट करे, कहां हिट करेगा कि स्पीड मिनिमम होगी, वी की वैल्यू कम से कम होगी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, कहां हिट करेगा ये नहीं पता है मुझे, तो मैं जनरल एक पॉइंट मान लेता हूं और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है उसको एक्टिवेट करता हूं, तो वाई इज इक्वल टू ये है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। अब देखें इसमें y की जो वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, y जो है वो तो h के बराबर है, x जो है वो l के बराबर है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जानबूझ के मैं इस कर रहा हूं क्योंकि थीटा तो मुझे दिया नहीं है, थीटा नहीं दिया है तो मैं टैन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा मुझे, मतलब थीटा को कहीं ना कहीं से हमें रिलेट करके लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि थीटा नहीं गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर ये एच की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एच की जगह, एक्स की जगह हमें एल एल लिखना है, एक्स जो था उसकी जगह एल लिखना है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा जी एल स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, ठीक है, प्लस एल टैन थीटा प्लस एच प्लस जी एल स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, ये जीरो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया मैंने तो ये जीएल स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस एल टैन थीटा प्लस ये इधर जाएगा
एच प्लस जी एल स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये टैन थीटा हो गया, ठीक है, ये टैन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हमें थीटा तो नहीं पता है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि थीटा रियल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रियल रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक के जो भी रियल रूट्स होते हैं, वो तभी आते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा होता है। ऐसा याद होगा आपको, 9-10 जब भी आपने कहीं पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये टैन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं अगर चाहता हूं कि थीटा की रियल वैल्यू आए, मैं ऐसा चाहता हूं कि थीटा की रियल वैल्यू आए, तो टैन थीटा में ये क्वाड्रेटिक होना, जो टैन थीटा में क्वाड्रेटिक है उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना होगा, जरा देखें, कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू है एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, ए है जी एल स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है एच प्लस जी एल स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर ए सी, ए है जी एल स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर और सी है एच प्लस जी एल स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक तो देखिए यहां ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, हाँ, अगर मैं इसको काट पीट करूंगा तो ये एल स्क्वायर, चलो अभी लिख लेता हूं, खैर फोर जी एल स्क्वायर अपॉन ये टू यू स्क्वायर है, इधर भी टू यू स्क्वायर है, टू यू स्क्वायर हो जाएगा फोर यू टू द पावर फोर, और ये अंदर जाएगा टू एच यू स्क्वायर प्लस जी एल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये टू एच यू स्क्वायर प्लस जी एल स्क्वायर और टू यू स्क्वायर फोर यू टू द पावर फोर हो जाएगा। अब देखें, एक फोर से एक फोर ये चला जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ये चला जाएगा, और एक्सप्रेशन अब अपना क्या बनेगा, यू टू द पावर फोर इधर लाता हूं मैं, यू टू द पावर फोर ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू यू टू द पावर फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अंदर मल्टीप्लाई होगा टू जी एच यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए काफी बड़ा सवाल है ये, तो यू टू दी पावर फोर जो है यू टू दी पावर फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू टू जी एच स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर जी स्क्वायर। अब इसमें जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू टू दी पावर फोर माइनस टू जी एच यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा यू टू दी पावर फोर माइनस 2gh u to the power 4 minus 2gh u square minus g square l square is greater than or equal to 0, ये जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये एक इनइक्वालिटी आ गई, क्वाड्रेटिक एक इनइक्वालिटी आ गई। अब इस इनइक्वालिटी को भी हम सॉल्व करते हैं, जैसे मान लें कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा मान लेता हूं मैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज करके नोट कर लें, फिर मेरा देखेंगे। तो ये मैं इसको यहां पे मिटा रहा हूं, तो जैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मानता हूं, मान लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था यू टू द पावर फोर माइनस टू जी एच यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा मैं इसको इनइक्वालिटी थोड़ी देर के लिए हटा के मैं इसको मान लेता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यू स्क्वायर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर मैं वही श्रीधराचार्य लगा के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के हिसाब से करूंगा तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर जो आएगा ये माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू जी एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब जाएगा फोर जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा फोर जी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन टू ए की वैल्यू वन है, तो यहां से ये यू स्क्वायर जो आएगा, अच्छा टू से इधर फोर, ये वाला फोर और ये वाला फोर बाहर आके टू रूट फोर टू हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, तो जाएगा जी एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एक जी से यहां मल्टीप्लाई भी होगा, यहां भी जी स्क्वायर है, यहां भी जी स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, तो यहां से यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी जी
एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो अब ये जो इनइक्वालिटी है यानी दो रूट आए, इस यू स्क्वायर की दो वैल्यू आ सकती है, एक जी एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, दूसरा जी एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू स्क्वायर जैसे होता है ना एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, दो रूट होते हैं अल्फा बीटा। तो जैसे पहला रूट जो है वो है इसका जी एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यू स्क्वायर का, ये यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक था, तो पहला रूट इसका जो था, जैसे हम लिखते हैं ना एक्स एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो एक्स माइनस अल्फा लिखते हैं, तो यू स्क्वायर माइनस जी एच प्लस इतना, और दूसरा होगा यू स्क्वायर माइनस जी एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा होने का मतलब ये कि नेगेटिव वाला तो हम इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि ये वाला टर्म, ये वाला रूट नेगेटिव आ रहा है, एच की वैल्यू रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से छोटी होगी तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, यू स्क्वायर जो है अगर ये जीरो से बड़ा है तो यू स्क्वायर इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला तो इग्नोर करेंगे क्योंकि यू स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यू स्क्वायर जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन जी एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ जी एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। काफी बड़ा सा सवाल था, एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने क्या किया, पहले इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखे, जो भी इसके दो कोऑर्डिनेट्स थे वो मैंने लिख दिए, एक कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट एल था, वाई कोऑर्डिनेट एच था, दोनों कोऑर्डिनेट लिखे, कोऑर्डिनेट लिखे। अब ये टैन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा, तो मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा कर दिया, सॉल्व किया तो ये इनइक्वालिटी आई। अब देखें यहां यू टू दी पावर फोर है, यहां यू स्क्वायर है और यहां कोई कॉन्स्टेंट है, तो ये यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये जो यू स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना है इसके मैंने दो रूट निकाल लिए, इसका रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर जो होगा हो जाएगा फोर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, टू से टू चला गया, एक जी बाहर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसके दो रूट होंगे, पहला होगा जी एच प्लस रूट एच स्क्वायर एल स्क्वायर, दूसरा होगा जी एच माइनस रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैं दोनों, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो अगर उसके रूट अल्फा बीटा है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका एक रूट अल्फा था यू स्क्वायर माइनस जी, दूसरा ये था। तो अब क्या है कि चूंकि ये जीरो से बड़ा है तो जो यू स्क्वायर की वैल्यू होगी वो इससे भी बड़ी होनी चाहिए, इससे भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे ना तभी जीरो से बड़ा पाएगा। तो यू स्क्वायर इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, तो जो बड़ा वाला है उससे भी बड़ा होगा, छोटे वाले से भी बड़ा होगा। तो कुल मिला के यू स्क्वायर ग्रेटर देन जी एच प्लस रूट एच एल स्क्वायर, तो यू ग्रेटर देन जी रूट ऑफ एच प्लस एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। देखो ये भी एक बड़ा बढ़िया सवाल है, रियल लाइफ से मोटिवेटेड सवाल है। इसमें क्या है, बिजली का खंभा है जिसकी ऊंचाई h है और उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है। अब जैसे बच्चे होते हैं कि चिड़िया बैठी है तो पत्थर मारते हैं उसको, चिड़िया को लग जाए, तो यहां एक लड़का है जो इस चिड़िया को पत्थर मारता है, ठीक है, पत्थर मारता है, और होता क्या, चिड़िया भी चालाक होती, जैसे ही पत्थर मारता है चिड़िया तुरंत उड़ जाती है, ठीक है। जैसे ही लड़के ने पत्थर मारा चिड़िया तुरंत उड़ गई और चिड़िया उड़ के ऐसे सीधे निकल गई, ठीक है। लड़के ने पत्थर मारा, अब लड़के ने हिसाब से पत्थर मारा था, हिसाब से ऐसे पत्थर मारा था कि अगर ये चिड़िया उड़ती नहीं तो चिड़िया पत्थर लग ही जाता इसको, तो ये पत्थर ऐसे गया जाएगा और लौट के जब आ रहा था तब चिड़िया को लग जाता है, ठीक है। तो चिड़िया की किस्मत इतनी खराब थी कि जैसे ही लड़के ने पत्थर ऐसे किया वैसे ही चिड़िया उड़ गई और ये पत्थर गया और मैक्सिमम 2h हाइट तक गया ये पत्थर, ऐसा बता रहे कि जैसे h तो पहले से था और मैक्सिमम ये 2h हाइट तक गया और ये लौटते समय चिड़िया को लग गया पत्थर, ये क्वेश्चन में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी पे सवाल बना है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, द बर्ड फ्लाइज अवे, द बर्ड फ्लाई अवे जस्ट आफ्टर द स्टोन इज प्रोजेक्टेड,
जस्ट आफ्टर द स्टोन इज प्रोजेक्टेड. द बर्ड फ्लाइज अवे, फ्लाई अवे जस्ट आफ्टर द स्टोन इज प्रोजेक्टेड. ऑन डाउनवर्ड जर्नी द बर्ड फ्लाइज अवे जस्ट आफ्टर द स्टोन इज प्रोजेक्टेड. ऑन डाउनवर्ड जर्नी द बर्ड द स्टोन hits the bird. On downward journey, the stone hits the bird. Find the ratio of horizontal velocity. Find the ratio of horizontal velocity of a stone and velocity of bird. जब उन्हें पत्थर को फेंका था तो जैसे ही पत्थर फेंका तुरंत फेंकते ही चिड़िया उड़ गई, उड़ के ऐसे सीधे निकल गई. पत्थर ऐसे यहां से गया और लौटते समय उसने चिड़िया को हिट कर दिया. ये क्वेश्चन में बता रहे हैं तो आपको बता रहे कि बर्ड की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, बर्ड तो हॉरिजॉन्टली जा ही रही है, खैर तो बर्ड की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और पत्थर की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उन दोनों का रेशियो आपको बताना है. 5 मिनट का आप समय लें, पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें. कुछ लोगों से हो जाएगा, मतलब ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन यह है कि इसको सॉल्व करें पूरे एफर्ट के साथ. मैं सॉल्व करने जा रहा हूं. मैं मान लेता हूं कि बर्ड जो है वो जिस वेलोसिटी से चली उस वेलोसिटी को मैं वी बी बोल दे रहा हूं, और जो पत्थर फेंका गया था उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux थी इनिशियल और वर्टिकल वेलोसिटी ui थी ये जो पत्थर फेंका गया था. तो अब मैं जब इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट 2h थी. मैक्सिमम हाइट जो आता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जो आता है वो अगर आप याद करें तो ये होता है ui स्क्वायर अपॉन 2g. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पुराने लेक्चर्स में, तो जो 2h आएगा वो ui स्क्वायर अपॉन 2g आएगा. तो ui की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4gh. ui जो आएगा ये अंडर रूट ऑफ 4gh के बराबर जाएगा, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट. खैर अब मैं ऐसा करता हूं कि यहां से यहां तक ये वाला इक्वेशन लगाता हूं, s इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द ए वाई इंटू टी स्क्वायर. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिया. वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं तो यहां से आप देखिए एस की वैल्यू कितनी रहे, एस की जो वैल्यू है, एस की वैल्यू यहां से यहां तक लगाया मैंने तो एस की वैल्यू वाई डायरेक्शन में एस जो आएगा वो एच आ जाएगा. यू आई जो है वो टू रूट जी एच है इंटू टी. ए वाई जो है वो माइनस जी है इंटू टी का स्क्वायर. ये हो जाएगा. थोड़ा ध्यान से देखें तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन रहा है, टी में क्वाड्रेटिक बन रहा है यानी टाइम की दो वैल्यू आएंगी और वास्तव में आएंगी भी, क्योंकि एच ऊंचाई पर ये पत्थर दो बार होगा. एक बार जब घड़ी में टाइम मान लेते हैं टी वन है और एक बार दोबारा से उसी ऊंचाई पर ही आएगा जब मान लिया घड़ी का टाइम टी टू है. भाई ये टी में क्वाड्रेटिक बन रहा है तो गणित के हिसाब से दो टाइम आ रहे हैं और दो टाइम आएंगे ही, क्योंकि ये पत्थर दो बार एच ऊंचाई पर होगा, एक बार ऊपर जाते समय एक बार नीचे आते समय. तो जब ऊपर जा रहा है तो उस समय भी एच ऊंचाई पर है और जब नीचे आ रहा है तो उस समय भी एच ऊंचाई पर है. तो ये टी में क्वाड्रेटिक आ गया. अब टी में जो क्वाड्रेटिक आया इसके जो दो रूट्स आएंगे, एक रूट को हम टी वन बोल सकते हैं, दूसरे रूट को टी टू बोल सकते हैं. तो मैं इसको सॉल्व करता हूं. पहले तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टू रूट जी एच प्लस एच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टू रूट जी एच इंटू टी, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस टू रूट जी एच इंटू टी प्लस एच इज इक्वल टू जीरो. अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो टी जो आएगा, जो टाइम आएगा, जब क्वाड्रेटिक है तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा टू रूट जी एच प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा फोर जी एच माइनस फोर ए सी. तो फोर ए हो गया जी बाई टू, ए की वैल्यू जी बाई टू होगी और सी जो है वो एच हो गया अपॉन टू ए. ए जो है वो जी बाई टू के बराबर है. फर्दर सॉल्व करेंगे तो टाइम की जो वैल्यू आएगी, अब देखिए यहां से
टाइम की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा टू रूट जी एच प्लस माइनस अंडर रूट फोर जी एच माइनस टू जी एच, टू जी एच हो जाएगा अपॉन जी, ये हो जाएगा। इसमें से मैं अगर रूट जी कॉमन ले लू, रूट जी एच कॉमन ले लू, तो ये रूट जी एच कॉमन लेते हैं, यहां से जब मैं रूट जी एच कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा रूट एच बाई जी, और ये हो जाएगा रूट जी एच, मैंने जैसे कॉमन लिया ये हो जाएगा टू माइनस रूट टू, यह आ जाएगा टू प्लस माइनस रूट टू, क्योंकि टाइम की दो वैल्यूज तो आनी ही थी, तो एक एक वैल्यू जो है वो टी वन आ जाएगी, एक वैल्यू टी टू आ जाएगी, तो टाइम की जो दो वैल्यूज आई थी उसमें रूट एच बाई जी टू प्लस माइनस रूट टू, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई। अब आपसे सवाल ये पूछा था कि जो बर्ड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब बर्ड की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और जो पत्थर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसका रेशियो, तो अब समझे इसके अंदर कि चिड़िया को यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा होगा वो टी टू लगा होगा, टी टू इसलिए क्योंकि जैसे ही लड़के ने पत्थर फेंका था तुरंत चिड़िया उड़ गई थी, तो t बराबर जीरो पे चिड़िया उड़ गई, और जब यहां चिड़िया पत्थर से मिली तो टाइम t2 हो रहा था, तो चिड़िया को यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लगेगा और पत्थर को यहां से यहां तक जाने में t2 माइनस t1 टाइम लगेगा, पत्थर यहां से यहां तक जाने में जो समय लेगा वो t2 माइनस t1 लेगा, लेकिन चिड़िया चूंकि तुरंत ही उड़ गई थी तो चिड़िया को यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम लगेगा, और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं लिखूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट करिएगा, फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये अगर यहां से यहां तक गया है, तो यहां से यहां तक गया है, तो जो चिड़िया का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो बराबर होगा बर्ड की वेलोसिटी इंटू टी टू, क्योंकि चिड़िया को यहां से यहां तक जाने में टी टू टाइम लिया है। अब पत्थर की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर मैं यूएक्स मानू तो पत्थर को यहां से यहां तक टाइम लगा है टी टू माइनस टी वन। तो आपसे पूछा गया था ux अपॉन vb, तो ux अपॉन vb आ जाएगा, ux अपॉन vb जो आएगा वो आ जाएगा t2 अपॉन t2 माइनस t1। अब t2 इसमें से बड़ा वाला टाइम है, इन टाइम में से जो बड़ा वाला टाइम है उसको t2 बोलेंगे, तो t2 की वैल्यू मैं रख देता हूं रूट एच बाई जी टू प्लस रूट टू, टी टू माइनस टी वन में भी वही आएगा रूट एच बाई जी, तो कॉमन हो जाएगा, बड़े टाइम में से छोटे टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू प्लस रूट टू माइनस टू माइनस रूट टू, ये हो जाएगा। सॉल्व किया जाए इसको रूट एच बाई जी, रूट एच बाई जी कट ही जाएगा, और सॉल्व करने पर ये हो जाएगा टू प्लस रूट टू, रूट टू से रूट टू एड, ये टू से टू चला जाएगा, ये टू रूट टू हो जाएगा, तो टू प्लस रूट टू अपॉन नीचे वाला हो जाएगा टू रूट टू, तो ये आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो वन बाई रूट टू प्लस वन बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हो आप वन बाई रूट टू प्लस वन बाई टू, तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और चिड़िया की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ये रेशियो हो जाएगा।